अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग है टोटली क्रिकेट पे, और अभी मैं घर आया हुआ हूँ फैसलाबाद में। और बेसिकली मैं होता हूँ लाहौर में, और उधर अपनी पढ़ाई करता हूँ और उधर ही क्रिकेट ज़्यादातर खेलता हूँ। और अभी मैं घर आया हूँ वापस, तो हमारे ये जो फैसलाबाद की टीम है, यंगस्टर्स क्रिकेट क्लब, उनका है टूर, वन डे टूर है। और सुबह जाना है हमने कल, और सुबह फर्स्ट टाइम निकलेंगे यहाँ से 6 बजे, 6-7, और सुबह फर्स्ट टाइम निकलेंगे इकट्ठे। और उसी पे व्लॉग सारा होगा, बेसिकली डिपेंड करेगा सारा, और सारे यंगस्टर्स के जो टीम मेंबर्स हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। और अभी मैं घर पर आया हूँ, तो अभी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो रही थी। एक दिन पहले मैंने सोचा वीडियो बनाई जाए, पैकिंग की, जो किट वगैरह पैक करनी है मैंने, कपड़े वगैरह और सब कुछ। इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। ये है किट मेरी, और इंशाल्लाह इसको सुबह पहनेंगे, और साथ में बैग भी रेडी कर लिया है, और सुबह ताकि टाइम से निकला जाए, इसलिए रात को सारे इंतजाम हो रहे हैं। जी अभी सुबह के 5 बज चुके हैं, और घर से निकलने लगा हूँ मैं, और सर्दी बहुत ज़्यादा है। आपने मेरी ड्रेसिंग से भी लगा लिया होगा ऐसा। और अभी आंखों में नींद भी है, और क्योंकि जल्दी उठना पड़ गया आज ज़्यादा, तो अभी आगे फिर चलते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। ये है गाड़ी जो बुक करवाई है हमने, और ये हमारे यंगस्टर्स क्रिकेट क्लब के लड़के जो रेडी हैं जाने के लिए। ये मैं आपको अभी जो गाड़ी है हमारी उसका इंटरव्यू दिखाता जाऊँ। हमारे टीम प्लेयर्स और कैप्टन और स्पॉन्सर के साथ सब बैठे हुए हैं। जी कप्तान साहब, अभी सफर शुरू हो गया हमारा लाहौर के लिए, कैसा लग रहा है? हाँ जी, एक्साइटमेंट है जी, सफर हो रहा है हमारा। आज रायमंड मैच खेलने जा रही है हमारी टीम, और उम्मीद कर रहे हैं कि जरा जल्दी पहुंच जाए। गाड़ी जरा स्लो जा रही है, और देखते हैं क्या बनता है, कितने में पहुंचते हैं। हमारा तो टारगेट है 9 बजे तक हम पहुंच जाए उधर, इंशाल्लाह पहुंचेंगे। और साथ स्पॉन्सर साहब भी बैठे हैं कप्तान ये के। हमारा एक स्पॉन्सर ये है जी, एक स्पॉन्सर हमारा जो है वो हमजा भाई है, और एक स्पॉन्सर जो है वो अभी सोया हुआ है, उसको हमने फोन करके उठाना है, उससे पैसे स्पॉन्सर करवाने हैं। बाकी सारे लड़के भी स्पॉन्सर ही हैं हमारे साथ। जी स्पॉन्सर भाई, कैसे चल रहा है सब? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा है। बस ये ब्लूटूथ अगर चले जाए ना तो निज़ाम और ओके हो जाए, लेकिन पता नहीं इसको क्या बीमारी पड़ गई है भाई, लगता खुशकी नाल ही सफर कटना पैना भाई। स्पॉन्सर जिस काम के लिए, जिस चीज के लिए एंजॉय करने आया, तो ब्लूटूथ चल ही नहीं रहे। चाचे को कह रहे बार बार, चाचे का काम ही नहीं कर रहा यार। चले कुछ नहीं होता, अब ये साथ साथ ही है भाई, क्या कर सकते हैं। जी अब बात करते हैं हमारे जो टीम के ओपनिंग प्लेयर है, शुभमन गिल और रोहित शर्मा, यंगस्टर क्रिकेट क्लब के दोनों वैस। जी वैस भाई, कैसे महसूस हो रहा है अभी जा रहे हैं हम, सुबह सुबह निकले हैं? भाई यार बहुत एक्साइटेड है, अल्लाह खैर करे, उम्मीद है बहुत अच्छा मैच होगा। आज हमारे साथ हम फैसलाबाद के जो टॉप पेसर है वो भी लेके आए हैं, जीरक भाई की बात कर रहा हूँ मैं, तो इंशाल्लाह हम एक्साइटेड है बहुत, और मैच विन करके वापस आएंगे। जी वैस सोहेल, आप क्या कहेंगे इस बारे में? कह रहा हूँ कि मेरी तबीयत भी खराब थी, लेकिन मैं फिर भी आया हूँ, काफी एक्साइटेड मैच, अच्छा होगा, मौसम भी ठीक है, अल्लाह खैर करे, बाकी एंजॉय कर रहे हैं सब। अभी पहुंच चुके हैं हम टेट्रा पार्क, सुंदर इंडस्ट्री स्टेट में, सारे लड़के इधर खड़े हैं। ये अभी गाड़ी है हमारी, और अभी उतर रहे हैं गाड़ी से, और अभी अंदर जाना है, और अभी सबके नाम लिखवा कर आए हैं, जो रूल्स उनके थे वो फॉलो कर किए हैं अभी, और एंट्री करवाई है, तो अभी जाएंगे। मैं आपको मिलाना चाह रहा हूँ हमारी टीम के शादाब खान, एक्शन शदाब खान है लेकिन नाम शदाब खान नहीं है, और लेकिन नाम है फखर जमान, एक्शन है शदाब खान, और समझ तो गए होंगे आप, लेग स्पिनर बॉलिंग ऑलराउंडर फखर जमान। जी फखर भाई, कैसा फील कर रहे हो इधर पहुंच गए, टाइट्रा पार्क में पहुंचे हम? जी मेरा पहला टूर है, और पहला मैच मैं आउट ऑफ सिटी से आया हूँ बाइक से, तो बहुत एक्साइटमेंट है, तो पहला मैच है, देखते हैं अभी क्या। अभी मैं आपको मिलाता हूँ हमारी टीम के प्रिंस, जिसको सारे कहते हैं समर प्रिंस। जी समर भाई, कैसा फील हो रहा है अभी इधर पहुंचे हम? वेरी वेल, और फील हो रहा है। कैसे आप देखते हो आज मैच में, क्या परफॉर्म करोगे, कैसे आप देखते हो? जो जिस चीज में मौका मिला, बैटिंग बॉलिंग में दोनों में परफॉर्म करेंगे। जी ठीक हो गया, ये अभी जा रहे हैं हम सारे पैदल ग्राउंड की तरफ, और अभी सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अभी उनका ये रोड है, और उन्होंने एक स्पेशल पेडेस्ट्रियंस के लिए एक रास्ता बनाया हुआ है ताकि उधर से चलें, तो अभी उधर उधर से ही जा रहे हैं हम।
काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत अच्छा व्यू है। ये है जी टेट्रा पार्क का ग्राउंड और ये अभी विकेट देखने जा रहे हैं हम। व्यू बहुत अच्छा है, देखते हैं विकेट कैसी है जाके। जी सुबह सुबह उन्होंने नाश्ता दिया हमें सबसे पहले। और ये है ग्राउंड, ड्रेसिंग रूम का ओवरव्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटी थी जी। अभी हमने मैच खेल ली है लेकिन जो रिज़ल्ट था वो हमारे फेवर में नहीं गया, हमने ज़रा कुछ गलतियाँ की और जिसकी वजह से हमें शिकस्त हुई। अभी मैं अपने टीम के जूनियर एक लड़का है फ़खर, उससे पूछता हूँ कैसा एक्सपीरियंस रहा है इधर लाहौर आगे और मैच खेल रहा है, चाहे रिज़ल्ट हमारे फेवर में नहीं गया। जी फ़खर देखें, सबसे पहले तो जो फैसला था टॉस जीत के बैटिंग का वो हमारे ख्याल से गलत था, क्योंकि जब नई जगह पे आते हैं, नए लोग हैं, नई पिचेस हैं तो मैनेज नहीं होता, तो इस वजह से हम थोड़ा सा डेड रहे हैं। अभी तो अभी मेरे साथ हैं यंगस्टर क्रिकेट क्लब के स्पॉन्सर राफे, इनसे पूछते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा लाहौर आके टेट्रा पार्क के ग्राउंड में खेला है, चाहे रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं गया लेकिन एक लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, तो इनसे पूछते हैं स्पॉन्सर से। जी शुक्रिया ईशान भाई, आपने इस काबिल समझा। फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मज़ा आया गेम खेलने में, लेकिन हार जीत फिर आपको पता ये गेम का हिस्सा है। सही है, लड़कों ने अच्छी एफर्ट की है, थोड़ी सी आसान है, लाइक बैड लक हो गई, नहीं खेला गया अच्छा, गलती है, गलती को तस्लीम किया जाए, उससे सीखा जाए। सही है, और आइंदा अच्छी बॉलिंग और बैटिंग की जाए जिससे टीम जीते। सही है, और हर बंदा यही सोच के आता है कि भाई हम जीतेंगे जीतेंगे, सारी बात है, अगली भी टीम है, हम भी हैं। सही है, जो ज्यादा मेहनत करता है, जिसने ज्यादा अपना जोश दिखाया होता है वही जीते। सही है, और बाकी यही है कि ये हम लड़कों का पहला एक्सपीरियंस था बाहर खेलने का, तो थोड़ा सा मेरे प्रेशर भी होगा, तो इसी वजह से भी लूज हो गए, और इंशाल्लाह इन द फ्यूचर टाइम मुझे उम्मीद है कि हम अच्छी कारकर्दगी करेंगे। जी बिल्कुल, अभी इनकी जो अभी हम अवे खेलने आए हैं और अभी हमने इनको भी दावत दी है कि नेक्स्ट मंथ ये भी फैसलाबाद आ रहे हैं जी, तो कैसे देखते हैं इस मैच को फैसलाबाद में इनके साथ? इंशाल्लाह अच्छा मैच होगा, अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगी। और सेकंड थिंग ईशान भाई वही बात के वो भी प्रेशर लेंगे, क्योंकि वो कोई और जगह थे, जब आप जगह अपनी चेंज करते हो किसी और सिटी में खेलते हो जाके, तो आपके लिए थोड़ी सी चीजें मुश्किल होती हैं, आप प्रेशर ले जाते हो, चीजें हैंडल नहीं कर पाते, वैसे क्रिकेट नहीं खेल पाते जो आपकी एक प्रोफेशनल क्रिकेट है, लेकिन वो आएंगे इंशाल्लाह, उनको अच्छा मुकाबला देंगे, वो भी टीम खेलने आई है, हम भी खेलेंगे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जीत। बिल्कुल रिवेंज डे होगा हमारा उस दिन इंशाल्लाह। मेरे साथ हैं आज के टॉप स्कोरर समर प्रिंस, बहुत अच्छा खेल रहे थे, अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए अपनी ही गलती पर। पहले तो आप मुझे ये बताएं रन आउट वाला जो सीन हुआ ना वो कैसा था? वो मैं ज्यादा आगे चला गया था तो पीछे हटना काफी मुश्किल था, इसलिए अनफॉर्चुनेटली आउट। आप मतलब किसी को ब्लेम नहीं दे सकते कि आप अपनी वजह से रन आउट हुए या किसी दूसरे बैट्समैन की वजह से? ठीक है, और कैसा एक्सपीरियंस रहा है इधर टेट्रा पार्क के ग्राउंड में आए हैं, कैसा खेलने को? मतलब डिफरेंट था क्योंकि वो वाली पिच स्लो थी जिधर हम रेगुलरली खेले थे, थोड़ी पार्क की बॉल निकलता था। सही है, और हसीब हमारे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर यंगस्टर क्रिकेट क्लब के, हसीब कैसा एक्सपीरियंस रहा लाहौर आने? यार मजा आ गया, मैं इतना कहूंगा मजा आ गया, बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिला मुझे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इनसे हम बदला लेंगे, रिवेंज लेंगे, और मुझे उस वक्त का इंतजार है बस कि कब हम दोबारा लाहौर आए, ये कब हमारे पास आए हमारे होम ग्राउंड में, तो हम इनसे अपना रिवेंज लें। बिल्कुल, अभी एक मंथ है, एक मंथ में हमारे लिए इनफ है प्रिपरेशन के लिए, हमारे एक मैचेस भी होंगे, फ्रेंडली मैचेस भी होंगे, और इनके साथ इंशाल्लाह एक बहुत जबरदस्त मैच खेलेंगे नेक्स्ट मंथ। इंशाल्लाह हम अपनी जी जान लगा देंगे, प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, हर मैच से पहले एक दो दिन लगाएंगे इंशाल्लाह, प्रैक्टिस करेंगे और अपना अपनी जी जान लगा देंगे, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ बिग डील, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम हराएंगे। थैंक यू सो मच। तो अभी मेरे साथ हैं यंगस्टर क्रिकेट क्लब के ओपनर बैट्समैन अवैस, जो के पावर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, अभी इनसे पूछते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा लाहौर आने का और इधर मैच खेलने का। जी अवैस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आगाज तो हमारा अच्छा रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली जैसा मैं शुरू से खेल रहा था उसको कैरी नहीं कर पाया,
और एक जो अच्छा टोटल हमें करना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए। तो शुरू में हमारे बॉलर ने जान तो काफी मारी है, लेकिन कुछ दो चार ओवर खराब लगे जिनकी वजह से हम उनको जल्दी आउट ना कर सके। अनफॉर्चुनेटली हम मैच ये जीत ना सके, लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम इनको इनसे जीतेंगे और हार का बदला लेंगे इंशाल्लाह। सुनो हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। अभी हमने मैच खेल लिया और हमें डिफीट हुई थी, लेकिन ये डिफीट को एज अ लर्निंग लेना होता है क्रिकेटर ने, और वही कोशिश करते हैं कि जो गलतियां होती हैं उससे सीखें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ इनके साथ दोबारा मैच है हमारा, फैसलाबाद में इन्होंने आना है, तो इनको इंशाल्लाह हम डिफीट करेंगे और इनसे रिवेंज लेंगे इंशाल्लाह।